अफगानिस्तान में जब से तालिबान की वापसी हुई है वहां अशांति का माहौल है और सभी देश छोड़कर जाना चाहते हैं। कई लोग अफगानिस्तान के लोगों के लिए दुआ भी कर रहे हैं। अफगानिस्तान की स्थिति ऐसी हो गई है कि एयरपोर्ट पर लोगों की कतार है लेकिन उन्हें ले जाने वाली फ्लाइट्स मिसिंग हैं। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो देश के बाहर रहते हुए भी अपने लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं। ऐसे ही अफगान मूल की 41 साल की एक्ट्रेसेस हैं अजीता गनीजादा। इनका जन्म काबुल में हुआ था। अफगानिस्तान के लोगों को बेसहारा होते देख के लगातार अपने सोशल मीडिया हैंडल से नए अफगानिस्तान का चेहरा दुनिया को दिखा रही हैं। तालिबान की काली करतूतों को लोगों के सामने बेनकाब कर रही हैं और यही चीज तालिबान को हजम नहीं हुई। तालिबान का झूठा नकाब दुनिया के सामने उतारने वाली इस एक्ट्रेस को तालिबान ने धमकी दे डाली और इस बात का खुलासा खुद एक्ट्रेस ने किया है। लेकिन फिर भी तालिबान की धमकियों को दरकिनार कर बेखौफ इस एक्ट्रेस ने तालिबान की झूठी ताकत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हर मिनट में चीजें बदल रही हैं। मुझे तालिबान से मैसेज मिल रहे हैं, डियर गर्ल चिंता मत करो, प्रोपेगेंडा फैलाना बंद करो। तालिबानियों के इस धमकी को नजरअंदाज करते हुए एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक और पोस्ट में लिखा है कि रात भर कई सारे अफगान ऑर्गेनाइजर्स को देखना और उनके साथ काम करना जो दोस्तों और परिवार की सुरक्षा के लिए उनकी मदद कर रहे हैं। अफगानिस्तान में गैस लाइटिंग की निरंतरता को रोकने में मदद करने के लिए बिना रुके काम कर रहे हैं। जैसे कि हम युद्ध के राक्षस हैं जो देशों पर आक्रमण करते हैं, ना कि ऐसे लोग जिन्होंने 40 साल केवल दूसरों से लड़ते हुए बिताए हैं। धीरे धीरे एक्टिविस्ट को आवाज उठाते देख रही हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।